हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोनू ठाकुर और मैं आज आप लोगों को ये केमआई ट्रिमर के स्विच अंदर में ख़राब हो गया है तो इसको कैसे ठीक करें इसके बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। सबसे पहले स्क्रू को खोल लेते हैं, और इस वीडियो में मैंने जिस तरीके से बताया है स्विच को ठीक करने के बारे में, वो आप घर में भी आसानी से ठीक कर सकते हैं बिना मैकेनिक के पास जाए। तो ये वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिएगा। खोल लिया है स्विच को, ऊपर वाले कवर का भी खोल लिया है हमने, जैसे कि देख सकते हैं। और इसके बाद में ये वाला स्क्रू लेना है आपको, देख सकते हैं आप। इसके बाद में स्विच को खोलना है। इसके बाद में इस स्क्रू को खोल लेता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसको मैंने खोल लिया और यहाँ पर देख सकते हैं कितने अच्छी तरह काम कर रहा है स्विच मतलब। अभी इसको इस पार्ट को स्विच वाले पार्ट को निकाल लेता हूँ मैं। ये शायद टूट चुका है इसलिए अच्छी तरह काम नहीं कर रहा है। इसको भी निकाल लिया मैंने, और अब इस पार्ट को निकालना है मुझे। जैसे कि देख सकते हैं मैंने स्विच को पूरा निकाल लिया अभी, और अभी मैं परमानेंटली इसको ठीक करने की कोशिश करूंगा अभी। और सबसे पहले मैं जैसे कि ये पार्ट देख सकते हैं कैसे सेट था, तो उसको मैं रहने देता हूँ यहाँ पर। इस पार्ट को सेट कर लेता हूँ यहाँ पर रहन, और अब यहाँ पर इसको सेट करता हूँ। और ऐसा एक आपको तार निकाल लेना है, आपको इस तरह बना लेना है आपको। इस तरह, और इस स्विच में आपको सेट करना है। यहाँ पर और इस जो वितार को लगाया है इसको मैं फेविक्विक से सेट करने वाला हूँ। एक मिनट, ये फेविक्विक मैंने निकाल लिया, और अब मैं इसको सेट करूँगा। अभी थोड़ा दिन ये सूखने के लिए रहने देता हूँ। इसको मैंने अभी सुखा कर थोड़ा पाउडर इसमें सेट कर डाल दिया है मैंने, जो फेविक्विक था उसमें। अब इसके बाद में मैं सेट करके देखूँगा, तो चलिए पहले सेट करते हैं।
थोड़ा सा यहाँ पर इस तार को थोड़ा सेट कर देना है। इसको मैं पहले फिक्स कर लेता हूँ। अब मैंने इसको सेट कर लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब मैं मशीन को सेट करता हूँ। ऐसे ही आपको स्विच को सेट कर लेना है। अब मैं मशीन में सेट करता हूँ इसको। जैसे कि देख सकते हैं मैं इसको सेट कर रहा हूँ अभी। अभी मेरा स्विच ये हो चुका है, लेकिन इसको दबा कर रखना पड़ता है मुझे, तभी ये स्विच काम कर रहा है। तो मैं आपको फ़िलहाल अभी चला कर दिखाता हूँ। जैसे कि अभी ऑफ है, तो इसे इसको दबा कर रखना पर ही चलता है। जैसे कि देख सकते हैं आप, इसको इस्तेमाल करते समय आपको दबा कर रखना है। अब थोड़ा पहले से काफ़ी अच्छा होगा इस्तेमाल करके। बस आपको दबा कर रखना है और इस्तेमाल करते रहना है। तो इसी तरह आप स्विच को ठीक करना है। तो फिलहाल मैं इसको इस कवर को लगा देता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये टेस्टर आपको लेना है और सेट कर लेना है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं ये ट्रिमर मैंने अभी परमानेंटली ठीक कर दिया है। ये कैसे ठीक किया मैं आप लोगों को बता दूं, ये अभी काफ़ी अच्छी तरह काम कर रहा है। ऊपर वाला कवर जो है वो ट्रिमर में सेट करने के बाद में जो स्विच ढीला हो रहा था वो जाम हो गया। इसके बाद में वो ट्रिमर मतलब स्विच अपन ऑन करने के बाद में अच्छी तरह काम करने लगा। तो इसी तरह मैंने ठीक किया। तो यही था दोस्तों वीडियो। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।